हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिस तरीके से कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है देखकर सुनकर। मैं अभी आपके लिए कई सारी मूवीज़ के सेंटेंसेस एक साथ लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी इसमें कुछ काबिल मूवीज़ के सेंटेंस है और कुछ दूसरी मूवीज़ के हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, रोहन प्लीज़ वहाँ 10 बजे पहुँच जाना। रोहन यानी कि ऋतिक रोशन। रोहन प्लीज़ बी देयर एट 10 AM। ओके, प्लीज़ बी देयर एट 10 AM। ओके, मैं वहाँ समय पर पहुँच जाऊँगा, परेशान मत हो। आई विल बी देयर ऑन टाइम, प्लीज़ डोंट वरी। आई विल बी देयर ऑन टाइम, प्लीज़ डोंट वरी। और अपने पापा से बोल तुझे एक नई खरीद कर दें। यहाँ पर एक लड़के की साइकिल की चैन उतर जाती है, तो ऋतिक रोशन उससे बोल रहे हैं एंड टेल योर डैड टू बाय अ न्यू वन। एंड टेल योर डैड टू बाय अ न्यू वन। तुम तो मेरे पापा को अच्छे से जानते हो। यू नो माई फादर वेल, यू नो माई फादर वेल। वह एक कंजूस आदमी है, ही इज़ अ माइजर मैन, ही इज़ अ माइजर मैन। मैं रोहन हूँ, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर ऋतिक रोशन एक जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं आई एम रोहन भटनागर, सॉरी फॉर बींग लेट। आई एम रोहन भटनागर, सॉरी फॉर बींग लेट। वो हमेशा बकवास करता है, ही ऑलवेज टॉक्स नॉन सेंस, ही ऑलवेज टॉक्स नॉन सेंस। उम्मीद करता हूँ तुम्हें उसका बुरा नहीं लगा होगा। आई होप यू डोंट माइंड हिम, आई होप यू डोंट माइंड हिम। मैं कभी बुरा नहीं मानती, आई नेवर माइंड, आई नेवर माइंड। हीरोइन बोल रही है आई नेवर माइंड, दरअसल मुझे इसकी आदत हो गई। एक्चुअली आई एम यूज टू इट, एक्चुअली आई एम यूज टू इट। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हैं, शी ऑलवेज अप्रिसिएट्स यू, शी ऑलवेज अप्रिसिएट्स यू। जब कभी वह तुम्हारे बारे में बात करती हैं, वेन एवर सी टॉक्स अबाउट यू, वेन एवर सी टॉक्स अबाउट यू। मुझ पर मुखर्जी जी का बहुत एहसान है। यहाँ पर हीरोइन बोल रही है आई ओव अ लॉट टू मिसेज मुखर्जी, आई ओव अ लॉट टू मिसेज मुखर्जी। मैं उन्हीं के कहने पर तुमसे मिलने आई थी। आई केम टू सी यू ओनली बिकॉज सी इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है आग्रह करना। आई केम टू सी यू ओनली बिकॉज सी इंसिस्टेड। तो कल मिलते हैं तुमसे, कितने बजे कहाँ पर। यहाँ पर ऋतिक रोशन हीरोइन को छोड़ रहा होता तो बोल रहे हैं सो तो सी यू टुमारो, एट वॉट टाइम एंड वेयर। सी यू टुमारो तो कल मिलते हैं, एंड वॉट टाइम कितने बजे, एंड वेयर कहाँ। मैं जानता था कि प्यार अंधा है। यहाँ पर कुछ लड़के खड़े बोल रहे हैं आई न्यू दैट लव इज़ ब्लाइंड, दैट लव इज़ ब्लाइंड। लेकिन अंधे लोगों को प्यार में पड़ते हुए पहली बार देखा। यहाँ पर ऋतिक रोशन और हीरोइन दोनों ही अंधे हैं, तो ये बोल रहे हैं बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सी ब्लाइंड पीपल फॉलिंग इन लव, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सी ब्लाइंड पीपल फॉलिंग इन लव। तो यह डांस क्लास कब तक चलेगी। यहाँ पर ऋतिक रोशन हीरोइन के पास जा रहे हैं उनकी डांस क्लास में, बोल रहे हैं सो हाउ मच लॉन्गर विल दिस डांस क्लास गो ऑन फॉर, हाउ मच लॉन्गर विल दिस डांस क्लास गो ऑन फॉर। मुझे लगता है यह आखिरी सेशन है, हीरोइन बोल रहे हैं आई थिंक दिस इज़ द लास्ट सेशन, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट सेशन। इसके बाद कॉफ़ी, ऋतिक रोशन उनसे बोल रहे हैं कॉफ़ी आफ्टरवर्ड्स, कॉफ़ी आफ्टरवर्ड्स यानी कि इसके बाद कॉफ़ी के लिए चलें, वो शॉर्टकट में बोल रहे हैं। रोहन क्या तुम पागल हो, रोहन आर यू मैड, आर यू मैड, लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पर हीरोइन को हीरो बोल रहे हैं डांस करने के लिए, तो बोल रही हैं वॉट विल द पीपल थिंक, वॉट विल द पीपल थिंक। अगर हम सोचें कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ऋतिक रोशन बोल रहे हैं इफ़ वी थिंक वॉट पीपल थिंक, वॉट विल द पीपल थिंक। जो कुछ भी वे सोचना चाहते हैं उन्हें सोचने दो, लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट, लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट। आज बहुत भीड़ है, इट्स टू क्राउडेड टूडे इजेंट इट, इट्स टू क्राउडेड टूडे इजेंट इट। मैंने आपको पहले बताया जहाँ इजेंट इट है तो आपको लास्ट में हिंदी में है ना लगाना, यानी कन्फर्मेशन करना है। आज बहुत भीड़ है ना, इट्स टू क्राउडेड टूडे इजेंट इट। मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अलोन, आई हैव ऑलवेज बीन अलोन। वो पहली नज़र का प्यार था, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइड, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइड। तुमने मुझे खुश किया, यू मेड मी हैप्पी, यू मेड मी हैप्पी। मैंने तो कभी इतनी खूबसूरत चीज़ों का सपना भी नहीं देखा है, आई हैव नेवर इवन ड्रीम्ड अबाउट सच ब्यूटीफुल थिंग्स, आई हैव नेवर इवन ड्रीम्ड अबाउट सच ब्यूटीफुल थिंग्स। डर रहता है वे कभी पूरे नहीं होंगे, फियरिंग दे वॉन्ट कम ट्रू, फियरिंग दे वॉन्ट कम ट्रू, वॉन्ट यानी कि विल नॉट। तुम्हें और सपने देखने चाहिए, हीरो बोल रहे हैं यू मस्ट ड्रीम मोर, यू मस्ट ड्रीम मोर। बड़े बड़े सपने देखो, खुद को मत रोको, हैव बिगर ड्रीम्स, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, हैव बिगर ड्रीम्स, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है, बिकॉज नाउ दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, बिकॉज नाउ दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। यानी कि मेरी ज़िंदगी का अब यही उद्देश्य है कि तुम्हारे सपनों को पूरा करना, इतना काबिल होना है कि तुम्हारे हर सपने पूरे कर सकूँ। टू बी कैपेबल इनफ टू फुलफिल एवरी ड्रीम ऑफ योर्स, टू बी कैपेबल इनफ टू फुलफिल एवरी ड्रीम ऑफ योर्स। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू नो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं। आई एम वर्दी ऑफ यू और एम आई नॉट, आई एम वर्दी ऑफ यू और एम आई नॉट। तुम्हारा कोई जवाब नहीं, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। हीरोइन बोल रही है यू हैव नो मैच। हर कोई खाने में व्यस्त है, एवरी वन इज़ बिजी ईटिंग, एवरी वन इज़ बिजी ईटिंग।
तुम अजीब आदमी हो, यू आर अस्ट्रेंज मैन, यू आर अस्ट्रेंज मैन, तुमने मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया, यू हैव कम्प्लीटेड माई इनकम्प्लीट लाइफ, यू हैव कम्प्लीटेड माई इनकम्प्लीट लाइफ, मैं तुम्हारी तमन्ना कैसे पूरी नहीं करता, हाउ कुड आई हैव नॉट फुलफिल्ड योर विश, हाउ कुड आई हैव नॉट फुलफिल्ड योर विश, मैं देख नहीं सकती लेकिन यकीनन महसूस कर सकती हूँ, आई कांट सी बट आई श्योरली कैन फील, आई कांट सी बट आई श्योरली कैन फील, हर एक चीज़ कितनी खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल एवरी थिंग इज़, हाउ ब्यूटीफुल एवरी थिंग इज़, जब से मैं रोहन से मिला वह तुम्हारी तारीफ किए जा रहे हैं, यहाँ पर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं हीरोइन से, सिंस द टाइम आई मेट रोहन ही हैज़ बीन प्रेजिंग यू, सिंस द टाइम आई मेट रोहन ही हैज़ बीन प्रेजिंग यू, उसने मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं किया, ही नेवर डिड दैट इन फ्रंट ऑफ मी, ही नेवर डिड दैट इन फ्रंट ऑफ मी, हर आदमी ऐसे ही होते हैं, दैट इज़ हाउ ऑल मैन आर, दैट इज़ हाउ ऑल मैन आर, वे अपनी पत्नियों की तारीफ उनके सामने कभी नहीं करते, दे नेवर कॉम्प्लीमेंट देयर वाइफ्स इन फ्रंट ऑफ देम, दे नेवर कॉम्प्लीमेंट देयर वाइफ्स इन फ्रंट ऑफ देम, जवान संभाल कर वह मेरी पत्नी, यहाँ पर ऋतिक रोशन की वाइफ को कुछ लड़के छेड़ देते हैं तो बोल रहे हैं, माइंड योर टंग सीज माई वाइफ, माइंड योर टंग सीज माई वाइफ, ठीक है फिर ऊपर आ जाओ, ये दूसरी मूवीज़ के कुछ सेंटेंसेस आ गए हैं, एक लड़का ऊपर है वो बोल रहा है अपने दोस्त से फ़ोन पर, ओके देन कम अपस्टेयर्स, ओके देन कम अपस्टेयर्स, मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, मैं तेरी आत्मा को आज़ाद कर रहा हूँ, यहाँ पर कालीन भैया हैं और वो बोल रहे हैं, आई एम नॉट किलिंग यू, आई एम सेटिंग योर सोल फ्री, आई एम नॉट किलिंग यू, आई एम सेटिंग योर सोल फ्री, एक अच्छी शुरुआत करना, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, वेयर आर यू टेकिंग हिम, वेयर आर यू टेकिंग हिम, तुम पैसे वापस कब दोगे, वैन विल यू रिटर्न द मनी, वैन विल यू रिटर्न द मनी, मैं तुम्हें एक दो हफ्तों में दे दूंगा, आई विल पे यू इन अ वीक और टू, आई विल पे यू इन अ वीक और टू, उसे बताना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ, यहाँ पर कालीन भैया बोल रहे हैं, कालीन भैया यानी कि कालीन भैया तो इनका नाम था मिर्ज़ापुर मूवी में, लेकिन इसमें इनका नाम मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कालीन भैया, टेल हिम दैट आई मिस हिम अलॉट, टेल हिम दैट आई मिस हिम अलॉट, तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं नहीं, यू हैव फॉरगॉटन बट आई हैवेंट, यू हैव फॉरगॉटन बट आई हैवेंट, ठीक है मुझे बताओ, बहुत सी जिंदगी कोरोना की वजह से चली गई, टेल मी दिस, ठीक है मुझे बताओ, टेल मी दिस, मैनी लाइव्स वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, मैनी लाइव्स वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, क्या तुम्हें लगता है कि वे सब पापी थे, डू यू थिंक दे वर ऑल सिनर्स, डू यू थिंक दे वर ऑल सिनर्स, सिन यानी कि पाप, यहाँ पर सिनर्स हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता सर, आई डोंट थिंक सो सर, आई डोंट थिंक सो सर, तुम्हें तो मुश्किल सवालों के सीधे जवाब चाहिए, यू वॉन्ट ए स्ट्रेट आंसर फॉर ए ट्रिकी क्वेश्चन, यू वॉन्ट ए स्ट्रेट आंसर फॉर ए ट्रिकी क्वेश्चन, इसके जैसे बहुत कम है आजकल, हिज काइंड इज़ वेरी रेयर नाउडेज, हिज काइंड इज़ वेरी रेयर नाउडेज, खास तौर पर जब यह कुछ कहने से डरता है, बेसिकली वेन ही इज़ केयर टू से समथिंग, बेसिकली वेन ही इज़ केयर टू से समथिंग, मुझे कहलवाता है, मुझसे कहलवाता है, ही मेक्स मी से इट, ही मेक्स मी से इट, मेक का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई चीज़ किसी दूसरे से करवाई जाती है, तो बोल रहे हैं मुझसे कहलवाता है, ही मेक्स मी से इट, तो क्या तुम्हें मिल गया जो तुम चाहती थी, सो डिड यू गेट वॉट यू वॉन्टेड, सो डिड यू गेट वॉट यू वॉन्टेड, हाँ असल में उससे भी ज़्यादा, यस इन फैक्ट मच मोर देन दैट, यस इन फैक्ट असल में मच मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा, तुमने आर के का नाम सुना है, हैव यू हर्ड ऑफ आर के, हैव यू हर्ड ऑफ आर के, तुम इसकी प्लानिंग कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लानिंग दिस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लानिंग दिस, यहाँ पर हैव बीन का यूज़ हुआ है, फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर हैव बीन का यूज़ होता है वहाँ पर कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं रहती, यानी कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो बहुत पहले से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का यूज़ हुआ है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ, आई हैवेंट प्लान्ड एनी थिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई हैवेंट प्लान्ड एनी थिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सेंटेंसेस को 8 बार देखेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, मैंने अपने पुराने वीडियोस में कई सारी मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस शुरू से लेकर लास्ट तक कवर किए हैं, तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, अगर आपको वीडियो यूज़फुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।